दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों हमारी हर रोज़ वीडियो आती है और पिछले 3 दिनों से लगातार मैंने आपको उत्तराखंड की वीडियो दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ बहुत कुछ, इसके अलावा यही वीडियो नहीं, आप बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज और हम कल दोस्तों 2 दिन देखेंगे हिंदी। हिंदी में दोस्तों साहित्य से भी लिए हैं, सभी से लगभग इसमें टॉपिक लिए हैं। 15 क्वेश्चन इसमें लिए हैं मैंने लगभग, और बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपके 15 से लेकर 20-25 तक प्रश्न ये हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगर आप दोस्तों इसमें से 15 में से 12+ सही कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप आने वाले एग्ज़ाम में निकल सकते हैं। अब जो लोग नए हैं या उनके कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं 3, 4, 5, तो लोग घबराए नहीं दोस्तों। आप लोग भी अभी नए हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये जो भर्तियाँ अभी आ रही हैं या इतने जो फॉर्म भर गए हैं, फिर ऐसा मौका दोस्तों शायद ही आपको कभी इतनी जल्दी मिलेगा कि नई नई भर्तियाँ, फिर शायद 2-3 साल, या मतलब कि जैसे 2017 के बाद थोड़ा सा सूखा पड़ा था 2-3 साल का, तो फिर शायद क्योंकि अभी मौका है तो जिन लोगों की एज नहीं हुई, हालांकि उनके लिए आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में आते रहते हैं और भी जॉब रहेंगे, पर जो लोग निकलना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों, मिस ना करिए। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। रही बात दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ। दोस्तों मैं भी आपको जो इतनी वैकेंसी आई हुई है जो उत्तराखंड में अभी, तो मैं भी किसी न किसी में आपको जब मेरा चयन हो जाएगा तब मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सादी किस भाषा का शब्द है। अब कितने लोगों ने सादी का नाम सुनते ही तो चेहरे पर अलग सी रौनक आ गई होगी कि सादी किस भाषा का शब्द है, फारसी, हिंदी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। दोस्तों ये जो इन भाषाओं के शब्द हैं, तो यहाँ से अक्सर एक कात क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज़, एक ही शब्द या फिर एक ही, मतलब कि जैसे सादी है, या फिर पूछ दिया कि उर्दू किस भाषा का शब्द है तो सादी किस भाषा का शब्द है, या फिर कुछ भी आपसे पूछ दिया कि मौसम किस भाषा का शब्द है, आतिशबाजी ये भी पूछा गया एग्ज़ाम में, कर्नल किस भाषा का शब्द है, तो वहाँ पर दोस्तों अब मतलब कि एक नंबर, अगर आप ये आपको हर रोज़ पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप याद कर सकते हैं कोई ट्रिक है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बाकी आप इन्हें आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सादी किस भाषा का शब्द है, फारसी, हिंदी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न गलत हो गया दोस्तों, ये किस भाषा का है, तो ये हो गया दोस्तों किस भाषा का। दोस्तों ये ऑप्शन, ये मेरा ही गलत हो गया, ये ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर अरबी, पता नहीं है ऑप्शन कहाँ गायब हो गया। तो ये अरबी भाषा का, अरबी भाषा का हो जाएगा सादी, तो बाकी आप ऑप्शन डी में आप या पुर्तगाली की जगह अरबी कर लीजिए, क्योंकि अब दोस्तों गलती सुधार लिए मैंने इसी वीडियो में, क्योंकि ये ऑप्शन पुर्तगाली, इस पर अरबी लिखना था, तो अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा क्या, सादी। इसके अलावा सादी के बाद आएगा क्या, मौसम। मौसम किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा किस भाषा का, अरबी भाषा का। गुलाब किस भाषा का शब्द हो जाएगा, गुलाब तो आजकल भी चल रहा है गुलाब का, जो मतलब कि गुलाब किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तो अरबी भाषा का। जलेबी किस भाषा का शब्द, ये भी पूछा गया था किसी ने किसी एग्ज़ाम में, जलेबी। आतिशबाजी ये भी पूछा गया था उत्तराखंड के एग्ज़ाम में, आतिशबाजी, तो ये आपके अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे। तो सादी किस भाषा का शब्द है, तो ये किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और भी शब्द, जैसे मैंने आपको और भी शब्द बताए दोस्तों अभी, जैसे कि कर्नल बताया, कर्नल, तो कर्नल अंग्रेजी भाषा का, कर लोग अंग्रेजी भी करेंगे तो कर्नल अंग्रेजी ना हो करके कर्नल किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली है। सादी दोस्तों, सादी किस भाषा का शब्द हो गया, तो सादी हो गया अरबी, इनमें ऑप्शन है नहीं। अगर बीबी आएगा तो एग्ज़ाम में बीबी किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा तुर्की भाषा का। पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो हो जाएगा तुर्की। उर्दू भाषा का, तो इस तरह से कुछ ऑप्शन बना था, पर उर्दू का, उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का शब्द है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके साहित्य से, और एक क्वेश्चन किसी न किसी से ज़रूर पूछा जाना है इस एग्ज़ाम में, आप जो भी एग्ज़ाम दें उत्तराखंड से संबंधित जिसमें हिंदी आती है, कोई ना कोई रचनाकार, मैंने आपको दोस्तों अभी तक बहुत से करा दिए, लगभग सभी से मैं लेते रहूँगा ताकि उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्टिव बताते रहूँगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह इम्पोर्टेंट है, राजेश जोशी, मंगेश डबराल, बीरेन डंगवाल, गोविंद चातक। तो दो ऑप्शनों में आप थोड़े कन्फ्यूजन हो सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनका उत्तर लग गया होगा। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बीरेन डंगवाल, नहीं है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, मंगेश डबराल।
दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी हाल ही में 2020 में मृत्यु हुई थी, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना है। इनका जन्म भी पूछा जा सकता है, आप पहले जन्म याद रख लीजिए, जन्म कब हुआ था 1948 में, कहाँ हुआ था तो टिहरी में हुआ था, कहाँ टिहरी में। और बीरेन डंगवाल इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, इनका जन्म भी टिहरी में ही हुआ था, बाकी डंगवाल डबराल ये सब टिहरी जनपद से संबंधित हैं, मृत्यु इनकी हाल ही में हुई थी। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, तो मंगेश डबराल की रचना है। इनके अलावा इनका घर का रास्ता वो भी एक महत्वपूर्ण है, घर का रास्ता उसे बिल्कुल याद रखें। और सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखना है, एक तो पहाड़ पर लालटेन और एक है हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं बिल्कुल याद कर लेना, ये इसलिए याद रखना आपको क्योंकि दोस्तों इसके लिए इन्हें 2004 में क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किनको, 2004 में नहीं दोस्तों, 2004 में बीरेन डंगवाल को दिया गया था, 2004 में दिया गया था किसको, बीरेन डंगवाल को। और 2000 में दिया गया था किसको, तो किसको दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है, बीरेन डंगवाल को 2000 में किसको दिया गया था, मंगेश डबराल को। लीलाधर जगुड़ी को कब दिया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 1997 में। और इनकी एक और रचना है नए युग में शत्रु और आवाज़ भी एक जगह है, ये भी इनकी रचना है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जैसे बीरेन डंगवाल आपको मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले वीडियो दी थी, उसमें बताया था कि बीरेन डंगवाल की जो एक रचना है दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, उसके लिए दिया गया था इनको 2004 में। बाकी गोविंद चातक की बात करें दोस्तों, इनकी इनकी पत्रिका दोस्तों जैसे कि रैबार, इनकी एक पत्रिका थी रैबार, और रैबार के अलावा एक और पत्रिका थी अंगारा, हाँ अंगारा पत्रिका थी। और बाकी एक जैसे दूर का आकाश था, और बांसुरी बजती रही, और भी कई थे। और राजेश जोशी दोस्तों इनके नेपथ्य में हंसी, ये भी इनकी एक रचना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप दोस्तों क्या कमेंट में बता सकते हैं जो लोग अभी नए हैं, क्योंकि पहले ही क्योंकि वीडियो अंत तक तो बहुत लोग देखेंगे नहीं। मैं हार गई ये एक कहानी है, और ये किसने लिखी है, और इनसे संबंधित एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आप लोग कहते हैं कि साहित्य वाला नहीं हो रहा है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, गूगल कीजिए, कहीं कीजिए, बुक को छान मारिए। तो मैं हार गई इनसे एग्ज़ाम में जिनकी ये रचना है, तो बहुत बार बना है प्रश्न एग्ज़ाम में, तो मैं हार गई किसकी है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, गूगल करके आप तब भी बता सकते हैं, बाकी और भी इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सुसुप्ति बाकी डिटेल में दोस्तों बहुत जल्दी मार्च से स्टार्ट हो जाएगी हिंदी की फुल डिटेल में, और हिंदी लगभग की 30-40 से 50 वीडियो में पूरी हिंदी, वो भी इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में दोस्तों मैं आपको बहुत जल्दी मार्च से स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी तक मतलब कि तैयार करने में लगा हूँ। तो सुसुप्ति का विलोम आरती या विलोम है, इस तरह से एग्जाम में बन सकता है, जागृत जगाना जागना या फिर जागरण, तो बहुत से लोगों का दोस्तों गलत होने वाला है मुझे पता है। सुसुप्ति का विलोम आरती है जागृत जगाना जागना या फिर जागरण, तो सुसुप्ति का जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी किया वो बिल्कुल गलत है, जागना बिल्कुल ही नहीं है, जागरण वाले भी बिल्कुल गलत हैं, अब जगाना नहीं होगा इसका होगा जागृत, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे सृष्टि का प्रलय, ये भी मैंने एक स्पेशली जैसे सृष्टि का प्रलय कई बार बना है, और जैसे आसक्त का हो जाएगा विरक्त, आसक्त का विरक्त, अधुनातन पुरातन, लघु का हो जाएगा क्या लघु गुरु, तो बहुत से इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अधुनातन पुरातन कई है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, जौनसारी बोली किस वर्ग में आती है, पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जौनसारी बोली किस वर्ग में आती है, पूर्वी पहाड़ी वाले बिल्कुल गलत हैं, मध्यवर्ती वाले बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। जौनसारी बोली किस वर्ग में आती है, तो ये आती है पश्चिमी पहाड़ी में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया था जौनसारी बोली, बाकी कुमाऊनी होगी गढ़वाली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन दोस्तों 360 है, इम्पोर्टेंट है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, पर जिन्होंने पढ़ा है वो इसका उत्तर तक पहुंचने में ज़रूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा, इसके बाद 70 तक हम जाएंगे, 370 तक, बाकी कल को फिर शुरू करेंगे। रमेश प्रत्येक मनोयोग या फिर विद्यालय, तो विद्या धन आलय कौन सी संधि हुई बताओ बताओ, आपके मन में आ गया होगा, विद्या धन आलय कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, विद्या धो या लास्ट में ओ आया, ओ धन आ बराबर आ, दीर्घ संधि। प्रत्येक प्रतिधन एक, तो दोस्तों प्रतिधन एक कौन सी संधि हो जाएगी, प्रत्येक, इस संधि को आप बताएंगे।
वैसे यण संधि है। रमेश थंदी, रमेश, रमेश का क्या होगा, रमाधन ईस, रमाधन ईस, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, रमेश, ये हो जाएगी कौन सी, गुण संधि। एक मात्रा दिखे तो कौन सी संधि, गुण संधि। दो मात्रा दिखे कौन सी संधि, वृद्धि संधि, थोड़ी सी ट्रिक है। बाकी आपका ऑप्शन कौन बचा, मनोयोग। अब मनोयोग में आपको कहीं विसर्ग संधि, विसर्ग का मतलब आपको कहेंगे कि दो आएंगे पीछे, जी हाँ दो आएंगे, इसका विच्छेद करते हैं, मनह धन योग, मनह धन योग, अब हो गया मनह योग, मनोयोग, ठीक है। अब दोस्तों एक आपसे क्वेश्चन है कि आप इसको बताइए, यशोदा में कौन सी संधि होगी, यशोदा एक मात्रा देखी, गुण मत गुण करके चले गए, तो यशोदा में आप लोग कमेंट करके बताइए कि यशोदा में कौन सी संधि होगी। चलो यशोदा में बता देता हूँ, यशोदा में कौन सी होगी, यश धन दा, तो इस तरह से होगी दोस्तों, इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 10 क्वेश्चन और हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये एग्जाम में पूछा गया था और बहुत से लोगों ने इसको रटा भी होगा, कुछ अर्थ नहीं समझना, सीधे सीधे यमक करो आगे बढ़ो, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि खाए, तो ये भी सबने रटा है, कौन सा, यमक करो, बाकी एग्जाम में सही करो, बस सबने रटा हुआ तो इसको भी आपने रटा ही होगा, या नहीं रटा है तो आज रट लो। तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती थी, मैं कौन सा अलंकार, अनुप्रास, यमक, सलेश या फिर उपमा। तीन बेर, एक तीन बेर ये है, एक तीन बेर है ये, तीन बेर, तीन बेर, अब इनका अर्थ क्या है, जो पहले वाला तीन बेर है इसका मतलब है कि वो तीन बार या तीन टाइम खाती थी, हाँ इसका अर्थ है क्या, तीन बार खाती थी, तीन टाइम खाती थी वो। दूसरा यह है कि तीन बेर, वो जो बेर आपने एक होता है, फल होता है जो कि शिवरात्रि के दिन है बेल, तब भी आप जानते होंगे शिवरात्रि के दिन तो बेर लगभग लगभग सभी लोग जानते होंगे, तो हो गया एक फल हो गया, एक क्या हो गया, तीन टाइम या तीन बार खाती थी वो, तो इसमें कौन सा अर्थ हो जाएगा, मतलब कि अलंकार हो जाएगा, तो ये यमक हो जाएगा, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाई वा पाए बोराए जग या पाए बोराए, तो कनक कनक, एक कनक का अर्थ क्या सोना, एक कनक का अर्थ क्या धतूरा, तो इस तरह से ये पहचानने की ट्रिक है, बहुत लोगों ने रटा है, बहुत उन्हें नहीं रटा है, जिन्होंने नहीं रटा है तो आज आप रट लीजिए कि इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। अब इसमें होता क्या है कि जैसे तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती थी, मतलब कि इसमें तीन बेर शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, तो आप जहाँ पर भी दो बार इस तरह से समझ जाएं तो बस यमक अलंकार करके अपना क्वेश्चन आगे बढ़िए टिक करके। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, बीपीडीओ के एग्जाम में, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में, ध्यान से सुनिए, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है, पीठ पत्रकारिता, पेज थ्री पत्रकारिता, न्यूज पैक या फिर आप एड। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, सुने रहते नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है इनको सही करना। तो हिंदी में दोस्तों, हिंदी और उत्तराखंड जैसे रीजनिंग जो आती है, तो यहाँ दोस्तों क्योंकि ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, जो भी लड़कियाँ तैयारी करती हैं, तो ज़्यादा इस पर फोकस रखते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि 30-35 में से 30 नंबर में से ही लगभग बाकी जीके जीएस सब कुछ आना है। हालांकि बहुत से लोगों की सब कुछ अच्छी कमांड होती है, जिनकी दोस्तों लगभग लगभग बैलेंस कल के जीके को बैलेंस, क्योंकि जीके में अथाह है, अपार है, वहाँ आपको सब कुछ पढ़ना है, तो इसलिए दोस्तों कि आपका वहाँ यहाँ ज़्यादा स्कोर करना सही रहता है। बाकी आपको मेरिट में बनने के लिए कई लोग पूछते हैं कि कितना, अब दोस्तों जैसा है कि 70 प्लस या फिर 75 प्लस आप जितना करना चाहें, बाकी 100 में से 100 कभी नहीं रहती मेरिट। हाँ आप लोग कहेंगे कि पहले तक रहती थी, पहले तक सब कुछ होता था, तो 100 भी नहीं, मतलब कि आप कुछ कहेंगे कि ग्रुप डी में 100-100 चले गए, कुछ ऐसे चले गए, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 2018 के बाद लगभग लगभग मेरिट कम जाती है। अब उत्तराखंड SI में मेरिट कम क्यों रहती है, इसका एक मेन कारण आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि SI का एग्ज़ाम क्यों टफ माना जाता है, ये भी आप मान लो, मतलब कि इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि SI में होता क्या है, 100 की आपकी हिंदी आनी है, अभी तक के हिसाब से बता रहा हूँ, 75 की आपकी क्या आनी है, मैथ आनी है, हाँ, और 75 मैथ हो गया, और 75 में से GK GS उत्तराखंड करंट अफेयर सब मान लो, बच्चे 50-50 में से रीजनिंग। अब इन सबको करने के लिए आपको कितने घंटे मिलने वाले हैं, तो कितने घंटे मिलने वाले हैं, 3 घंटे मिलने हैं। अगर पटवारी की बात करूं तो 200 क्वेश्चन में 3 घंटे मिल रहे हैं आपको, यहाँ 300 क्वेश्चन में 3 घंटे मिल रहे हैं। अब बताओ जो 75 क्वेश्चन आपके GK के हैं, उसको अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 15 मिनट के बीच में या फिर 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा दे दिए, तो 20 मिनट में अगर आपने ये नहीं निपटाए तो आपको घाटा होना ही होना है, मान के आप मान लीजिए। हिंदी इसके लिए 1 घंटा मिलता है आपको, तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन मिलाने। अब जो लोग नए होते हैं वो बेचारे तो 60 क्वेश्चन पढ़ने में ही 60 मिनट लगा देते हैं, अब उनके तो 40 वैसे गए और बाकी कुछ तो नहीं आ रहे, मतलब वैसी हालत ख़राब है बाकी जिन्होंने पढ़ा है, क्योंकि इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब बताओ 50 क्वेश्चन रीजनिंग के
ये 75 ये हैं। अब मतलब बंदे की अगर 75 क्वेश्चन लगाने, अगर घर में बैठे तो 75 में ही 3 घंटे निकाल दे, 50 रीजनिंग भी है, तो आपको एक्यूरेसी के साथ वहाँ सही भी करने रहते हैं, बाकी तभी मेरिट उसमें थोड़ी बहुत कम रहती है। फिर भी लगभग 240 कोई 50 कोई ज़्यादा अभी तक तो इतिहास 2015 में 243 जो टॉपर थे उनके आए थे, बाकी 170 में भी चयन हो गया था, बाकी और कैटेगरी में 80 190 200 बाकी जर्नल वालों का 200 तक भी हो गया था लास्ट, या 200 से थोड़ा नीचे में भी हो गया था बाकी ऊपर तक, और लड़कियों में तो और भी कम था, लड़कियों में 170 80 प्लस में भी हो गया था, क्योंकि सब कुछ में स्कोर करना रहता है। बाकी यहाँ अब जो लड़कियाँ या लड़के मैथ में अच्छे हैं तो हिंदी में उनकी भी हालत ख़राब होती है, तो हिंदी पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है, बाकी जो हिंदी में अच्छे हैं थोड़ा उनके लिए भी वहाँ दिक्कत होती है मैथ में, अगर बना सब कुछ को आपको बैलेंस बना के चलना होता है। बाकी एसआई में अगर आपका चयन हो जाता है, 2 सितारे आपके कंधे पर लग जाते हैं, तो दोस्तों फिर आप मान के चले कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसका सही उत्तर है क्या, न्यूज पैग है किसी मुद्दे पर, ये आपको मैंने बता दिया है न्यूज पैग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। अब ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो बहुत से लोगों की तो हालत ख़राब हो ही जानी है। दशा से, दान से, अवस्था से, संप्रदाय से, उत्सर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, दान से, ना कि दशा से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी बहुत से लोग कन्फ्यूजन होंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो यकीन मानिए वो इसको सही करेंगे, अब कुछ लोग तो नए होंगे वो बेचारे सभी करके आगे बढ़ जाएंगे। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, तलवार कहलाता है भाई, भाला नहीं, शस्त्र या फिर अस्त्र। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला, दोस्तों याद रखिए, हाथ में शस्त्र और फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार तो क्या कहेंगे उसे, अस्त्र। हाथ में पकड़ेंगे शस्त्र और फेंक कर अस्त्र, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन भी अगर एग्ज़ाम में आ गया तो इसमें भी बहुत से लोगों की हालत ख़राब होनी तय है। इनमें से एक उपसर्ग है, अ, कु, सौ या फिर ता, एक उपसर्ग नहीं है, सॉरी उपसर्ग नहीं है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, एग्जाम में गलती होती है, ऐसी गलती होती है, आपसे भी होती है। अ, कु, सौ या फिर ता, उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, जो शब्द के, कई बार बता चुका हूँ वीडियो में, शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, सिंपल इतना याद रखिए, प्रत्यय क्या होंगे जो अंत में लगेंगे उनके, बस सिंपल इतना ही है। ओ, ओ हमेशा पहले लगता है। अब मैं इसका उदाहरण आपको कैसे समझाऊँ, ओ असत्य, चलो इसलिए इसको ले लेते हैं असत्य, तो ओ आपका क्या लगा पहले, ओ धन सत्य हो गया, असत्य ये पहले लग गया आपका, तो ओ इसमें उपसर्ग हो गया। कु, कु, कु में क्या होगा, कु मार्ग या फिर कुचाल, तो ये क्या हो गया, कु लग गया पहले, तो ये भी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। सौ, सौ भी जैसे सौ सजग, सजग, तो सौ धन जग, तो ये भी पहले लग गया। ये ता दोस्तों जैसे ता, जैसे मानवता, मानवता, तो ये ता लग गया, तो मैंने और नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, तो मानवता, तो इस तरह से ये हो गया क्या, प्रत्यय, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत थोड़ा में समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्यय भाव, तत्पुरुष। अब दोस्तों जो लोग कहेंगे वीडियो भी वीडियो की कर रहे हैं, वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि यहाँ सिलेबस में नहीं है, पर जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तो समास है, पर आप लोग पढ़ लेंगे समास भी, क्या दिक्कत है उसमें, पढ़ने में आपको आना चाहिए, एक ही चैप्टर है, बाकी आप खत्म कर सकते हैं एक दो दिन में, मतलब कि कुछ घंटे बैठ के आप आसानी से समास पढ़ सकते हैं। बहुत थोड़ा में समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्यय भाव या तत्पुरुष, बहुत थोड़ा, बीच में योजक चिन्ह आ गया, डैश, द्वंद्व मारो और आगे बढ़ो, जैसे माता पिता, बीच में डैश दिखा, सीधे आगे आगे आप बढ़ सकते हैं। तो बढ़ते भाई बहन इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बस इसके बाद दोस्तों 3 क्वेश्चन लगभग और बचे हैं, 19 मिनट हो गए हैं, बाकी बहुत कम ही लोग हैं जो वीडियो को अंत तक जरूर देखते हैं, पर जो लोग देखेंगे यकीन मानिए कि आपको फ़ायदा एग्ज़ाम में होना ही होना है। पर हिंदी में दोस्तों ऐसा है कि आपके बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत पढ़ लीजिए, आपकी समझ भी होती है वहाँ पर, सभी सब आपका पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में घुस नहीं जाएगा, या फिर यूट्यूब पर देखा या फिर कहीं देखा, थोड़ी सी आपको समझ भी लगानी होती है, माना कि आपको कोई मुहावरा नहीं आ रहा, अब मुहावरे बहुत हैं, कोई मतलब कि थोड़ा आप ट्रिक से भी वहाँ पर कर सकते हैं, जब इसलिए आपको पढ़ा होना चाहिए, समझ आपकी बिल्कुल काम आती है, जो आप किए रहेंगे उसका फल आपको मिलना ही मिलना है, आप यकीन मानिए। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न कह रहा हूँ, जब 2 शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक, जब 2 शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, तब वहाँ चिन्ह लगाया जाता है, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्पविराम या फिर अर्धविराम। तो वहाँ पर दोस्तों जब 2 शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह,
अल्प विराम जैसे दोस्तों बीच में रोकने के लिए अल्प विराम इस तरह से, अर्ध विराम इस तरह का होता है, बाकी बीच में आदि आपको पता ही है, हे जैसे कुछ भी बोला हे के पीछे जैसे इस तरह से लगता है, अर्ध विराम इस तरह का डंडा और नीचे से बिंदी टाइप की, तो ये होता है हमारा क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा, इसमें आपको शुद्ध करना है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा, हम बचपन में वहाँ जाएंगे, वाह मतलब कि हम बचपन में वहाँ जाएंगे वाला। अब मतलब अब बचपन आपने सुना होगा कि जैसे डायलॉग कि बीता हुआ बचपन कभी नहीं आते, आपको भी पुराने दिन याद आते होंगे, तो ऐसा नहीं, हम बचपन में वहाँ जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, अब तो नहीं जा सकते, हम बचपन में वहाँ जाते रहें, वाह हम बचपन में वहाँ जाते रहे। अब बहुत से लोगों को ये भी इसका सही लगेगा और मुझे पता है कि आप लोगों में से भी लगा होगा कुछ को, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा या मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा, तो मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा तो नहीं, ये और ये एक से ये दो तो आपने काट लिए मुझे पता है, हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं या फिर मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, ना कि हम बचपन में वहाँ जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाक्य शुद्धि में दोस्तों आपकी समझ काम आएगी, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं भी आपको कराते रहता हूँ, बाकी आप बुक से भी कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, क्या बात है क्या बात है, रस्सी जल गई पर पल नहीं गया, ये भी पूछा गया था कि मतलब कि रस्सी जल गई पर पल नहीं गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो बहुत सारे मतलब हिंदी में पढ़ने का दोस्तों अलग ही मजा है अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़ जाते, सीमित साधनों से काम चलाना, कंजूसी करना, छोटा होकर बड़ा काम करना, या फिर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो आपने उत्तर चुन लिया होगा ऑप्शन नंबर डी, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, कंजूसी करना, यह अलग है, चमड़ी गई दम क्या कहते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों आपने अगर सही कर लिया तो आपने हिंदी में बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं आयो क्या करता है, बिल्कुल एक छोटा सा मतलब इतना ही है, जैसे कौन सा वर्ण घोष नहीं है, अब हालत ख़राब, एक एक क्वेश्चन आप 1000 लोगों में या 10-2000 लोगों में ऊपर चले जाएंगे सही करते हैं, वरना गलत करते हैं तो फिर नीचे आने में भी टाइम नहीं लगता। तो कौन सा घोष वर्ण नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल बताना है कि कौन सा इसमें से घोष वर्ण नहीं है, ए अ छ या फिर अंगो। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, प्रत्येक स्वर वर्ण घोष या फिर सघोष, यानी कि मतलब मैंने यहाँ पर घोष लिखा तो घोष या सघोष जो आए, घोष या सघोष इनमें से आ सकता है, बाकी अघोष अलग होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रत्येक स्वर वर्ण दोनों स्वर हैं तो ये घोष होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो घोष नहीं है पूछा है। और क्या होता है, 3 4 5, तो 3 4 5 स्वर के अलावा 3 4 5 जैसे क वर्ग है, क में कितने वर्ग होते अक्षर होते हैं, एक वर्ग में 5 होते हैं, तो उसे क वर्ग है, क ख ग घ और अंग। अब मैं थोड़ा बुरुस इसको चेंज कर लेता हूँ, अब आपको समझाता हूँ, 3 4 5 ये क्या कहा मैंने आपको, ये होते हैं घोष, ये घोष, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 1 और 2 क्या हो गया, अघोष। तो अब आप पहचानिए कि ये अंग, ये दोस्तों ये भी आ गया यहाँ पर, तो अपने आप ही 6। अब 6 जैसे ये हो लिख देता हूँ मैं, चौ छ ज छ और यो, दोस्तों यो से तो आपने किसी का नाम नहीं देखा होगा ना, आता या देखा है, नहीं देखा होगा, या क्या पता कोई बता भी सकते हैं। तो 6 6 जैसे पहला और दूसरा, ये क्या बताया मैंने आपको, ये होते हैं क्या, अघोष। तो ये 6 अघोष में, तो ये 6 भी यहाँ पर। तो यही था मेरा आपको पूरा समझाने का मकसद, 3 15 में से कितने से हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, आपको फ़ायदा, मैं समझता हूँ कि जितनी वीडियो दिए बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा आपको, खुद भी बुक से पढ़िए, जो मेरी इन वीडियो हैं ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी बहुत से चैनल हैं और भी, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी जो मैं अभी आपको चीज़ें देता हूँ वो भी बिल्कुल बेकार की नहीं होती है। तो ये थे आज के प्रश्न, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और जैसे अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं और या फिर उष्म व्यंजन कौन कौन से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन नहीं, कल को मिलेंगे नई वीडियो के साथ।